हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश में जो पिछली बार पटवारी का एग्जाम हुआ था 2017 में, उस एग्जाम में जो हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे और साथ ही आगे क्या पूछे जा सकते हैं और आप अपनी तैयारी को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं जो एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, वह एग्ज़ाम 19 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं हिंदी सब्जेक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन छाटिए, तो इसका आंसर है ढा। नेक्स्ट, वर्ण के प्रकार होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन और आयोग वाह। अनुनासिक स्वर वाला शब्द कौन सा है इसमें, तो पांव होता है इसका। नेक्स्ट, ना ना की अशुद्धि वाला शब्द रामा यण है, तो इसमें ना आना था आँख में, आखिरी में। नेक्स्ट, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो हा है। नेक्स्ट, अमृत का पर्यायवाची निर्णय से कौन सा है, तो इसका पीयूष पर्यायवाची है। जिसका पति जीवित है के लिए एक शब्द कौन सा होगा, सद्भा होगा। नेक्स्ट, उद्धार का संधि विच्छेद निर्णय से कौन सा है, तो उत्धन हार है इसका। न्यून का विलोम क्या होगा, न्यून का अधिक है। ठीक है दोस्तों, आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो आकर्षण है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। मुख्य छंद शब्द में निम्न से कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े बेच कर सोना क्या मुहावरे का अर्थ है, तो बेफिक्र हो जाना इसका अर्थ है। नेक्स्ट, आ स्नान का शुद्ध रूप स्नान है। नेक्स्ट, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, तो इसके दो भेद होते हैं। नेक्स्ट, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ ईरों से, मैं कौन सा अलंकार है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट, उपयुक्त विलोम शब्द आदर्श का क्या है, तो यथार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष्टकार में शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म कौन से हैं, तो इसका निर्मल पावन है। मनोहर शब्द का सही सामासिक विग्रह कौन सा है, मन को हरने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है। ठीक है दोस्तों, तो है 20 क्वेश्चन जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब।